ये मेमना मर गया है। देखिए दोस्तों इसका साइज और सिंक देखिए, कितना क्यूट सा ये हिमालयन बाण पपी है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, देखिए दोस्तों अभी भी कितने बड़े बड़े बाल हैं, ये देखिए टांगों पे भी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इन्होंने खुद के लिए रखा है ना, दोगे नहीं? नहीं। क्यों? क्या खुद के लिए रखा है, एक ही है। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा है, ये देखिए इसके बाल भी। रात को कहाँ था? मैं होटल में। इसकी जो मदर थी वो आपने देखी थी कैसी थी? मदर बढ़िया थी, लंबे बाल थे उसकी, बाणी थी। बाणी थी और फादर? फादर भी। 450 भेड़ बकरियां इनके पास यहाँ पे हैं, देखिए अभी सफर कर रहे हैं ये। घोड़े भी है वहाँ पे, देखिए सामान लाद दिया है। ये तो बेचारा सो गया है। इनके पास सारे बाण डॉग्स हैं, एक फीमेल डॉग ये है जो कि बूढ़ी हो गई है। हेलो, ये देखिए बहुत सुनहरा कलर है इसका। बाकी दोस्तों ये जो डॉग है हिमालयन बाण, ये किसी और गद्दी का है और कई दिनों से इनके साथ ही है, तो इनको एज ए गिफ्ट मिल गया है। और ये जो है वो जो फीमेल वहाँ पे बैठी है बाण जो मैंने आपको दिखाई, उसकी बेटी है ये। ये देखिए बहुत शानदार, ये भी बाण है। ये कब जैसे बच्चे देगी? अगले महीने दे देगी। ये देखिए दोस्तों, और ये डॉग इन्होंने किसी दूसरे गद्दी से खरीदा है। जूली, इसका जॉनी, जॉनी सिंस बोल रहे हैं दोस्तों ये। और आप क्वालिटी देखिए, वैसे बाण डॉग्स की हाइट इतनी बहुत कम ही जाती है, और ये तो फीमेल है फिर भी देखिए कितनी बढ़िया है। देखिए दोस्तों कितनी फ्रेंडली है, लेकिन रात को इनका रूप अलग ही होता है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं ये। ओए, ये भी पपीज देगी अगले महीने। साइज देखिए आप इसका, बाकी उसके तो मज़े लगे हैं। जो छोटू है ये देखिए वहाँ से अब ऊपर को जा रहा है। दोस्तों सच बताऊँ तो मेरा मन कर रहा है इसको उठा के ले जाऊँ अभी। अच्छा ये बोल रहे हैं किसके? अच्छा अच्छा ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे अभी मैंने आपको फीमेल डॉग दिखाई बाण, उसके बच्चे मर गए थे पिछले साल, उससे पिछले साल भी रखे थे इन्होंने अपने लिए, वो भी मर गए थे। लेकिन अच्छा लगा कि इनके पास सारे बाण डॉग्स हैं। वैसे कई गद्दी ऐसे होते हैं जिनके पास बाण भी होते हैं दूसरे भी होते हैं, फिर आपस में वो मेटिंग करते हैं और मिक्स ब्रीड तैयार होती रहती है। तो इनके पास तो एक मेल तो अभी दूसरे गद्दी का आ गया है बाण, और एक इन्होंने छोटा बच्चा रख लिया है, दो मेल हो जाएंगे, दो फीमेल्स बड़ी हैं, तो आगे नस्ल भी इसी तरह से इम्प्रूव होती रहेगी। अब मैं चलता हूँ दूसरे डेरे में, इनके घोड़े एक बार आपको दिखा देता हूँ। पाँच हैं ये देखिए, देखिए दोस्तों आराम से धूप सेक रहे हैं अभी मेमने। बाकी ये छोटा है इसलिए इस पर कोई सामान नहीं रखा है, ये यहाँ पे चर रहे हैं। ये शायद दोस्तों मर गया है, हाँ ये मर गया है, देखिए ये मेमना मर गया है, ऊपर से काट दिया है। मतलब इस जगह को अभी मैं फील कर रहा हूँ, देखिए पहाड़ियाँ। छोटे पपी को दोस्तों भेड़ ने दौड़ा दिया था, अब यहाँ छुप गया। वो जो भेड़ जा रही है ये पपी उसके मेमने के बहुत नज़दीक चला गया था, तो भेड़ ने दौड़ा दिया इसको। अरे ऐसे को डर गया अब ये, दो साल से मैंने एक भी पपी नहीं लाया है भेड़ पालकों से, तो इस बार मैं उनको ही दिलवाऊंगा जिनको प्रॉमिस किया है 2 साल से।
और वो भी अगर बढ़िया क्वालिटी मिलेंगे तभी, ऐसे नहीं दिलवाऊंगा। ओए जॉनी जींस, खोट बनाओ इसको। अग्रेसिव बनाएंगे इसको, वो जो दिखाया ना मैंने तेरे को, क्या वो बहुत अग्रेसिव है ये कुत्ता? जुली जो दिखाई तेरे को मैंने, दूसरी वाली काली। अच्छा जो 2 साल की है, जो वो बड़ी तेज है। अच्छा ऐसा पपी कितने में मिल जाएगा अगर आपने देना होगा तो? यार वैसे तो 20,000 तक की देंगे। 20,000 तक? 20,000 तक पहले तो 15-20 हज़ार से कम तो देना नहीं है, 15 से कम तो देना ही नहीं है। 15-20 हज़ार से कम नहीं देना? नहीं, पहले तो सस्ते होते थे। सस्ते होते थे, हर चीज के रेट बढ़ गए, तो ये भी तो देख, ये क्वालिटी आजकल मिलते कहाँ है। क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, सस्ते के चक्कर में कई बार फ्रॉड भी हो जाता है। मेरे साथ कई भेड़ पालकों ने किया है, ये खुद भेड़ पालक है। फ्रॉड वाला सीन नहीं, आपका नहीं है, आप रामरेश को जानते हो? 2 साल पहले मैंने 2 बार लाए उससे पपीज, मुझे नॉलेज नहीं थी उतनी ज़्यादा। उसने पता है क्या किया दोस्तों, सड़क से उठा के चेप दिए मुझे। अब तो मुझे नॉलेज हो गई है, तो बाद में उसके ही किसी हेल्पर ने बताया मुझे कि ये सड़क से उठा के बेचता है और रेट इतने हाई फाई। A few inches later. अभी मैं दूसरे डेरे के पास पहुंच गया, पीछे पहाड़ी भी देखिए भेड़ बकरियां चर रही हैं। बाकी ये अंकल 2 मेमने इनसे खरीद के लाए है ना? हाँ। ये मेल है फीमेल है? छेलू छेली है? छेलू छेलू है, दोनों छेलू है। ठीक है अंकल जी, ये जो मैंने बकरी पकड़ी है इसका भेड़ पालक दूध निकाल रहे हैं, ये निकालने नहीं दे रही है क्योंकि ये बोल रहा है कि इसका बच्चा बेच दिया इन्होंने, तो खड़ी नहीं हो रही है बेचारी। हो गया दिखाना, हाँ ये देखिए। खाना भी खाओगे? खाएंगे भाई साहब, जाएंगे अभी पर। अच्छा अच्छा, तो अभी अपने इलाके में ही है भेड़ पालक, खाना खुद नहीं बनाएंगे, घर में जाएंगे खाने के लिए। जो यहाँ पे रहेंगे भेड़ बकरियों के पास, उनके लिए घर से ले आएंगे बना बनाया खाना। पिछले साल मैंने अपने गांव में गद्दी भेड़ पालकों से 1 मेमना दिलवाया था मेल, अभी 1 साल का हो गया और वो छोटा सा ही है इसके बराबर, ये देखिए। तो ये बोल रहे हैं कि इनकी फुल ग्रोथ 5 साल में होती है। इनका भी मैं आपको सबसे बड़ा बकरा भी दिखाता हूँ साइज में, मुझे देखने में मज़ा आता है तो आपको भी दिखा देता हूँ। भाई तू ये वाला कितने साल का है? 4 साल का है। अच्छा ये 4 साल, और ये 4 साल का। देखिए दोस्तों इसका साइज और सींग देखिए, हो इससे बड़े बड़े हो, इससे बड़े बड़े भी है। लेकिन आप इसको देखिए, ये बोल रहे इनसे बड़े भी हैं। अच्छा ओ भयंकर दोस्तों, इसके सींग भी बहुत भयंकर हैं, ये देखिए। अरे बहुत शानदार, और इनके पास डॉग्स भी अच्छे हैं, बोल रहे थे 6 डॉग्स हैं। और एक ये देखिए बिलासपुर, गए हो आप बिलासपुर? शिमला जाते जाते ना बीच में पड़ता है जुखाला, हाँ हाँ बस वहीं मेरे घर। हाँ जी आप माल लेके गए हो वहाँ पे? ये देखिए सफाई कर रहा है बैठने से पहले। और ये जो बकरा है दोस्तों देखिए, ये इन्होंने मेटिंग के लिए रखा है, ये थोड़ा छोटा है, अभी पूरी ग्रोथ भी नहीं हुई है इसकी क्योंकि, लेकिन क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए इन्होंने मेटिंग के लिए रखा है। ये देखिए भाई जो हैं उस डेरे से इस डेरे में आ गए हैं पूछने के लिए कि यहाँ पे कोई इनका मेमना तो नहीं छूटा था, नहीं है? ये बोल रहे हैं इस डेरे वाले कि हमें तो दिखे नहीं। कितने थे भाई तुम? एक तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, इनके मेमने छूट जाते हैं, कई बार चोरी हो जाते हैं, कई बार तेंदुआ उठा के ले जाता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। देखिए अभी ये टेंशन में है, यहाँ खड़े होके पूछ रहे हैं इनसे बार बार। तो अभी ये वापस जा रहे हैं, शायद यहाँ आसपास ढूंढेंगे उस मेमने को, फिर अपने डेरे में चला जाएंगे।
ये देखिए ये वाली बकरी अपने मेमनों को दूध पिलाने के लिए जा रही है क्योंकि इसका मेमना चिल्ला रहा है। यही है ये देखिए। ये मिल गया। आजा। हेलो। बस दोस्तों पहले इस काले कुत्ते पे सारे टूट के पड़ गए थे। बस ये भी मेल डॉग है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे थे दोस्तों। ये इनका मेल डॉग, इसको खाने के लिए दिया है इन्होंने बकरी का दूध और चावल। ये अभी लड़ाई में विनर रहा था, बाकी दूसरा वहाँ पे सब कुत्तों ने खा लिया खाना। हले ये देखिए इसकी लंबाई कितनी है, बहुत ज़बरदस्त कुत्ता है ये। एक ये एक और फीमेल डॉग है इनकी, वो आ गई अब। बरोट में पीछे छूट गई थी वो। दरअसल हुआ ऐसा कि इनकी भेड़ बकरियां आगे आ गई, कुत्ते भी आ गए, फिर वो जब आने लगी तो आवारा कुत्तों ने घेर लिया उसको वहाँ पे मेरे सामने। पर मैं डाउट में था कि अब पता इनकी है या नहीं है, लेकिन अब ये पहुँच ही गई। ये देखिए बुरी बुरी अब ये बोल रहे थे कि इसको ढूंढने के लिए जाना है ना, इतना सारा बकरी का दूध और चावल डाल दिए इसको खाने के लिए, भूख भी लगी होगी। ओ, ओ, ओ। ये सारे इस डॉग पे टूट पड़े। पहले दोस्तों इन दोनों की आपस में नहीं बन रही थी, काफ़ी लड़ाई है, लेकिन दूसरे डॉग के लिए सब इकट्ठे टूट पड़े थे इस पर। ऐसा ही करते हैं ये, खाना इन्होंने खा लिया, अब इनकी भेड़ बकरियाँ चल पड़ी। तो अभी ये पैकिंग कर रहे हैं अपनी बर्तनों की, बाकी ये सारा सामान ये घोड़ों पे लोड कर दोगे अभी, है ना। हाँ फिर ये आज डेरा लगाएंगे वहाँ, जैसे ज़्यादा दूर नहीं लगाएंगे। जो भी लड़का एक सॉरी डॉग एक लड़ रहा था वो इसका बेटा है, बड़ा वाला जो ब्राउन वाला था। मैंने एक बात नोटिस की, जो फीमेल डॉग्स होती है वो ज़्यादा जल्दी सोशलाइज हो जाती हैं, मेल डॉग्स अपनी अकड़ में रहते हैं। ये देखिए ये सारा बकरी का दूध है। आजकल तो बकरियों का काफ़ी दूध है ना, बच्चे दिए हैं आजकल तो बहुत दूध है। ये बोल रहे काफ़ी 20-25 किलो दूध है। 20-25 किलो? फिर आप कहाँ डालते हो इतना दूध? कुत्ते को डालेंगे, घोड़े को पिलाएंगे। कुत्ते और घोड़े को अपने आप भी, कुत्तों के तो आजकल मज़े लगे हैं, दूध ही दूध। घी और बकरी का, बकरी के दूध का इसको सेला बोलते हैं। सेला ये जो है दोस्तों इसको सेला बोलते हैं। इसमें पानी नहीं आएगा, जब आदमी सो जाएगा इसके ऊपर तो अंदर पानी नहीं आएगा, नीचे से पानी भीग जाएगा। अच्छा बस पानी कोई नहीं चढ़ेगा ऊपर। अच्छा गर्म रहता है? गर्म रहता है। अच्छा ये गद्दी नज़र की बकरी की ऊन से बना है, बड़े बड़े लंबे बाल वाली। अभी देखिए ऊपर चढ़ रही हैं जो। अच्छा अच्छा और ये वाला भेड़ की ऊन से है ना? ये भेड़ की ऊन का है, ये वाला भेड़ की ऊन का है। इसको बोलते हैं पट्टू। पट्टू इसको बोलते हैं। और जो आपने जैकेट पहनी है ये भी भेड़ की ऊन से? भेड़ की ऊन की, अपनी भेड़ की ऊन से। अपनी भेड़ की ऊन से अपने आप खड्डी लगाते और खड्डी से बनते। दरअसल ऐसा कोट आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको पट्टी खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद फिर सिलवाने देना पड़ेगा। वो जैसे मेरी जैकेट है, कांटे लगे तो ये फट जाएगी, आग थोड़ी सी भी पड़ी तो ये फट जाएगी, मतलब उतनी स्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने पहनी है जैकेट, ये भेड़ की ऊन से बनी हुई, इसके अंदर पानी भी नहीं जाता, ठंड भी नहीं लगती और ये फटती भी नहीं है कांटों से। तो मैं भी ऐसे ही सिलवाऊँगा 3-4। अभी मैं जा रहा हूँ होटल, वहाँ पर वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद शाम को इनके डेरे में चला जाऊँगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों वहाँ सामने शाम को। हरिओम। कुछ आलू बन रहे हैं अभी? हाँ।
शादी कर दिया दे नहीं, नहीं। शादी उसके लिए तो आया हूँ ब्रोड। काफी बकरियां जिन्होंने दूध निकाला थोड़ा थोड़ा और देखिए भर दिया पतीला। कंधे के ऊपर बैठी, कंधे के ऊपर बैठी भालू के, सच में काला भालू है।